इन लोगों को देखिए, ये जरूरत से ज्यादा ही जल्दबाजी में है। ये लापरवाही क्यों? रेल की पटरियों पर कभी भी रेल आ सकती है और लोग हैं कि बेपरवाह होकर ट्रैक को पार कर रहे हैं। इस गलती की वजह से देश में लोग गंवा रहे हैं अपनी जान। रेलवे ट्रैक को इस तरह से पार करना जानलेवा ही नहीं, दंडनीय अपराध भी है। रेलवे ट्रैक को पार करने के लिए पुल बनाए गए हैं, उपमार्ग भी मौजूद हैं। आप उनका इस्तेमाल करें और खुद की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। आपकी समझदारी आपकी जिंदगी को सुरक्षित करने की गारंटी है। मगर लोग हैं कि समझदार बनने को ही तैयार नहीं हैं। बेहतर है कि आप अपनी जिंदगी से प्यार करें, समझदार बनें। इसी में आपकी भलाई है। नियम का पालन जरूर करना चाहिए, इसके अलावा सतर्कता बरते, संयम बरते, वही बेहतर है। उनके लिए भी यही मेरा कहना है कि थोड़ा विशेष नियमों का पालन करें और उसके अकॉर्डिंग ही चलें। बिल्कुल गलत है, ऐसे जान पे खिलवाड़ करके क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रेन बहुत फास्ट आती है ना, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। और जैसे पुल यहाँ पर बना है तो उससे क्रॉस करना ठीक है। अब तो भारतीय रेलवे विभाग ने देश भर के सारे मानव रहित क्रॉसिंग को मानव जनित क्रॉसिंग बनाने का फैसला किया है, ताकि आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। मार्च 2020 तक इस लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। बावजूद इसके अगर आप इसी तरह से अपनी जिंदगी को खतरे में डालते रहे तो आप दंड के भागी भी बन सकते हैं। मोटर चालकों के लिए सुरक्षात्मक सलाह, रेलवे क्रॉसिंग के समीप दिए गए संकेतों और माहौल पर ध्यान दें। अपनी गति को कम करें ताकि जरूरत पड़ने पर रुक सकें। दृष्टिगत संबंधित भ्रम में ना रहें। दूर दिखने वाली ट्रेन करीब हो सकती है और आपके अनुमान से ज्यादा तेज उसकी गति हो सकती है। अगर क्रॉसिंग पर फाटक है तो पार करने से पहले उसके खुलने का करें इंतजार। बंद फाटक को पार करने का तरीका है बेहद ही खतरनाक। अगर ट्रेन आ रही है तो कम से कम 5 मीटर की दूरी बनाए रखें।